नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नई वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आइए ठीक ही होंगे, भगवान आप लोगों को स्वस्थ रखे मस्त रखे। दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आप सभी के फेवरेट अमेज़ॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में कि अगर आप लोग अपने अमेज़ॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से दोस्तों ATM से पैसे निकालते हैं या फिर दोस्तों आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट लेट करते हैं तब आपको कितने चार्जेस जो हैं देने पड़ेंगे, कितने एक्स्ट्रा चार्ज आप लोगों के ऊपर लगने वाले हैं। साथ ही अगर आप लोगों का कार्ड जो है दोस्तों खो जाता है या कार्ड आप लोग रिप्लेसमेंट करवाते हैं तब कितने चार्जेस आप लोगों को देने पड़ेंगे, पूरा डिटेल में यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले बता दूँ, अगर वीडियो पर नए हैं चैनल पर नए हैं तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब ताकि हमारी वीडियोज़ की अपडेट जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। आपके पास जो अमेज़ॉन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड है उसकी कोई भी ज्वाइनिंग फ़ी नहीं होती, कोई भी एनुअल फ़ी नहीं होती। ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम जो है दोस्तों बिल्कुल फ्री रहता है आप सभी लोगों के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अगर आप लोग ATM से विड्रॉल करते हैं पैसे निकालते हैं तो यहाँ पर मिनिमम चार्ज कम से कम आप लोगों को 300 रुपये तो देना ही पड़ेगा। चाहे कितना ही कम, चाहे आप 100 रुपये भी ATM से निकाल लो लेकिन उसके ऊपर भी मिनिमम 300 रुपये तो आपको चार्ज लगेगा। प्लस GST जो है एक्स्ट्रा आप लोगों के ऊपर पड़ने वाला है, इन एक्स्ट्रा GST भी आपको उसके ऊपर देना पड़ेगा 300 रुपये के अलावा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग ज़्यादा अमाउंट विड्रॉल करते हैं, मान लीजिए बड़ा अमाउंट विड्रॉल कर रहे हैं 20,000, 25,000, 30,000, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो अमाउंट है उस पूरे अमाउंट के ऊपर 2.5% दोस्तों चार्जेस लगाए जाएंगे। सपोज़ कीजिए आपने 20,000 रुपये ATM विड्रॉल कर लिया तो 20,000 ATM विड्रॉल करने पर 2.5% बनेगा 500 रुपये। तो ऐसे में आपके ऊपर 500 रुपये चार्ज लगाया जाएगा प्लस GST जो है लगाया जाएगा। यानी आप लोग ज़्यादा अमाउंट पर 2.5% आप लोगों को चार्जेस देने पड़ेंगे, मिनिमम 300 रुपये तो चार्ज है ही है प्लस GST। ओवर लिमिट चार्ज अगर आप लोगों की जो लिमिट है उससे ज़रा ओवर लिमिट दोस्तों आपकी हो जाती है तो ऐसे में ओवर लिमिट होने पर आपको मिनिमम चार्जेस 500 रुपये तो लगेंगे या फिर आपको 2.5% आपके पूरे अमाउंट पे चार्जेस दोस्तों लगाए जाएंगे। और इन सभी चार्जेस पर GST जो है दोस्तों वो अलग से लगाया जाता है। अब अगर दोस्तों आप लोग कार्ड रिप्लेस करवाते हैं, कार्ड टूट जाता है, खो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो ऐसे में आपको कार्ड रिप्लेसमेंट फ़ी जो है वो 100 रुपये यहाँ पर दोस्तों देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर है लेट पेमेंट चार्जेस, जिसकी मैंने बात करी थी कि अगर आप लोग लेट पेमेंट चार्जेस करते हैं, लेट पेमेंट करते हैं तब कितने चार्जेस जो हैं आपको लगने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों निल फॉर द अमाउंट ऑफ लेस देन 100, अगर आपका अमाउंट 100 रुपये से नीचे है तो आपको कोई भी लेट पेमेंट चार्जेस नहीं लगेंगे। 100 रुपये से दोस्तों 500 रुपये तक के बीच में आपका लेट पेमेंट है तो 100 रुपये उस पर दोस्तों आप लोगों को चार्ज जो है लगाया जाएगा। अब आपका दोस्तों अगर 500 से 1,000 तक दोस्तों आपका लेट पेमेंट अमाउंट है तो उसके ऊपर आपको 500 रुपये चार्जेस जो हैं दोस्तों यहाँ पर लगाए जाएंगे। और दोस्तों 10,000 से ऊपर चाहे कितना ही अमाउंट क्यों ना हो उसके ऊपर मैक्सिमम आप लोगों को 750 रुपये यहाँ पर लेट पेमेंट चार्जेस जो हैं वो लगाए जाएंगे। दोस्तों बता दूँ कि यहाँ पर जितने भी चार्जेस होते हैं इनमें जो भी आपका चार्ज बनता है उस चार्ज के ऊपर GST जो है अलग से लगाया जाता है, यानी डबल मार्ज जो है आप लोगों के ऊपर पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर आई होप आप लोग समझ गए होंगे, मैंने सब कुछ आपको बिल्कुल शॉर्ट टाइम में और डिटेल में समझा दिया है। बाकी आप लोगों को और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आप लोगों की हेल्प करने की। और ऐसी दोस्तों नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बाकी दोस्तों हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।